साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तिना दे पवित्र चरणों में महान महापुरुष आप नारायण कलाधार जग में परवरियो निरंकार आकार ज्योत जगमंडल करियो संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह साहब जी तिना दे जन्म दिहाड़े की खुशी नूं मुख रखदिआं होइआं कुछ दिनों तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र बाणी के सहज पाठ प्रारंभ किए सन। उपरंत महापुरशां की बख्शिश सदका उन्हां दे पवित्र स्थान ते भोग पाए गए हैं। दुनिया के अंदर महामारी फैलन कारण धार्मिक स्थानों पर भी भीड़ बनी है, भावें बहुत मजबूरिया कारण धार्मिक स्थान जिथों गुरु की बख्शिश प्राप्त होनी सी जिन्हां स्थानों पर जाके इन्हां बीमारियों का छुटकारा होना सी जिन्हां पवित्र स्थानों पर जां नतमस्तक हो के इन्हां बीमारियों तो निजात दुनिया ने पाउणी सी वो स्थान भी अज कुदरत दे हुक्म अनुसार बंद होए पए हन। सो रहो विचार जिन्हां दी याद विच आपां जुड़ के बैठे हाँ, भावें पिछलियां समयां अंदर पिछले साल बहुत श्रद्धा के अनुसार बहुत भावना नाल गुरमुख प्यारिया ने प्रेम वालियां रूहां ने उन्हां दी आउण दी खुशी विच अखंड पाठां दे भोग पाए जांदे सन। बहुत अधी रात दे टाइम ते भी महापुरशां दे जन्म दे समय ते भी उन्हां दे प्रेमियां वलों बड़े प्यार दे नाल आउण दे समय विच जदों किसी अवतार ने आउणा होवे उहदे सत्कार विच गुरसिख खड़े हुंदे हन, उन्हां दे आउण दी उड़ीक करदे हन। जिदां वड्डे वड्डे लीडर वड्डे वड्डे नेता जदों किते पिंडां नगरां विच जांदे आ उन्हां नूं मूहरे उड़ीकण वास्ते बहुत सारे लोग सत्कार वास्ते खड़े हुंदे हन। इस तर्हां पिछले साल भी इस तर्हां जिहड़े उन्हां दे प्यार वालियां रखण वालियां रूहां सन उन्होंने रात के समय से भी कीर्तन करके उन्होंने आने की खुशी के समय से उन्होंने उड़ीकण की खुशी में भोग पाए गए सन। सो इस बार भी समा भावें उस तरह का नहीं बन सकिया, सो समा है जिस तरह निरंकार का हुक्म हुंदा है तुद बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करे सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक। उस परमेश्वर निरंकार तो वड्डी ताकत तो कोई नहीं है, पर फिर भी दुनिया के अंदर समय समय अनुसार ये समा बनता रहा। जदों संत महाराज जी इस पवित्र स्थान पर आए सन उस वेले भी एक भयानक बीमारी दे विच रोग दुनिया ग्रस्त हुई सी, वो सन 1918 तो लैके 1920 तक वो बीमारी बहुत नगरां विच पई और 10 करोड़ बंदा उस वेले मारिया गया। कल्ले केवल हुशियारपुर की धरती ते 23,000 बंदा मारिया गया और दुनिया के लोग नगरां पिंडां नूं छड्ड के शहरां नूं छड्ड के खेतां विच जा के पहाड़ां विच जा के बस गए सन। पूरे 100 साल बाद ये फिर एक ऐसा समा बनिया है। वो समय दे विच जिहड़े गुजर रहे लोग ने दुनिया के लोग जिहड़े गुरु ते श्रद्धा रखण वाले गुरमुख हुंदे आ धार्मिक पक्ष ते विश्वास रखण वाले गुरमुख हुंदे आ उन्हां नूं ये बीमारियां जां उन्हां नूं ऐसे कष्ट जिहड़े विघन ने नहीं पैंदे। कोट विघन ते सलाख ते जां को विसरे नाउं जिहड़े गुरु नाल जुड़दे आ किसे समय ते 8वें पातशाह जी गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जदों दिल्ली धरती ते चरण पाए सन उत्थे भी एक बीमारी फैल गई सी जिस बीमारी का नाम चेचक
साइंसदानों ने दसिया है वो चेचक की बीमारी नूं साहिब गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अपने पवित्र चरण डोब दिते सन पानी दे विच भाई जिहड़ा दो घुट पानी इत्थों पी लवेगा उहदी बीमारी हट जाएगी और आप सतगुरु सारी दुनिया की बीमारी अपने शरीर ते लैके अठवें पातशाह जी महाराज अपना पवित्र शरीर अलोप कर गए सन। सो ऐसे महापुरश संसार अंदर आउंदे रहिंदे हन और संसार दे विच आउण वालियां कला कलेश मुसीबतां जिहड़े दुनिया के अंदर पैदा हुंदियां हन जिन्हां कारण दुनिया दुखी हुंदी है उहनां दी निवृत्ति वास्ते अवतारां दा आउणा हुंदा है। जदों धरती डोलण लग जांदी है राजे लोग पाप कमाउण लग जांदे हन प्रजा दुखी हुंदी है राजे पाप कमांदे उल्टी बाड़ खेत को खाई। सारे संसार के अंदर उस वेले ऐसा वर्तारा वरत्या होया सी जदों गुरु नानक साहब जी आए है उस वेले गुरु नानक साहब का आना होया धरती ते शांति वरत गई। ऐसे तरह अवतार संसार अंदर आउंदे रहे दस रूपां दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज तक साहब अवतार प्रतख रूप में आए और बाद दे विच गुप्त रूप में जिन्हां दी याद भी तुसीं जुड़ के बैठे हो जिन्हां दा आउण दा समां गुरु नानक साहब जी महाराज अजिते रंधावे की गोष्ठ विच भाई वाले वाली जन्म साखी भी जिक्र करते हैं। सतगुरु जी वचन करके बड़े प्यार दे वचन अजिते रंधावे नाल कीते हन जिन्हां दे अंदर प्यार है पढ़ के देख लियो बड़े प्यार दे नाल अजिता रंधावा सवाल भी करता है तो जवाब सतगुरु जी दिंदे हन और ये वचन कीता बच्चा जितया गुरु चौरासी जामे संसार विच वरतेगा और जिहड़े जिहड़े दर्शन करनगे उहनां दा भला होवेगा जिहड़े वचन सुणनगे उहनां दा तां होवेगा ही जिन्हां दे सहज सुभाव ही दर्शन हो जाणगे जिन्हां दी इच्छा तों बिना भी किसी नूं दर्शन हो जाणगे वह भी संसार दे जीव भव सागर नूं तर जाणगे और दस रूप गुरु प्रतख वरतेगा और 74 रूप जिहड़े होणगे असीं भगतां दे रूप विच आवांगे उहनां रूपां विचों जिन्हां नूं जणावांगे जाण लैणगे जिन्हां नूं नहीं पता लगेगा विचे घूमदे रहणगे उहनां सरूपां विचों 74 रूपां विचों एक रूप संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जिन्हां दा नाम हरखोवाल करके प्रसिद्ध होया है अज विश्व के अंदर दुनिया के लोग बहुत सारे प्रदेशों विच विदेशों विच बैठे अज कई मन की तड़फणा लैके बैठे हैं कि जे असी भी हाजिर होंदे उन्हां महापुरशां की याद मनाउंदे उन्हां दी हाजिरी भी जरूर लगेगी मन के अंदर तड़फणा की भावना होंदी है वो कोई मजबूरी कारण नहीं पहुँच सके नहीं तो बहुत हजारां दुनिया विदेशों तो आउंदी सी बहुत दुनिया कल भी सानू बड़े फोन आए हैं माझे विचों ट्रालियां भर भर के माझे विचों संगतां आउंदियां हुंदियां सन। चलो रहो परमेश्वर के हुक्म अनुसार वो सारे अपने अपने नगरां विच सहज पाठ रख के भोग पाए गए हैं उन्हां विचों एक पवित्र आत्मा जिन्हां दा जिक्र साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज अपनी 100 साखी विच भी कर गए सन अपने हुंदियां ही साहिबां ने इन्हां आउण वाले गुरसिखां दीआं ड्यूटियां भी लिख दित्तियां सन किहड़ा किहड़ी ड्यूटी करेगा किहड़ा किहड़ी ड्यूटी करेगा इन्हां दा जिक्र कीता 100 साखी विच संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी ये लंगर की मर्यादा दुनिया च कायम करनगे अज जिन्ने दुनिया के अंदर लंगर ने जो धार्मिक स्थानों पर तुसी जाते हो बड़िया बड़िया मेलियां के रूप में दुनिया दिसदी है वो मेलियां दे विच जिहड़े लंगर लगे हन ये सारी देण बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज की है ये उन्होंने उस वेले लंगर चार जारी किए सन गड्डियां ते रसदां लद के लिजाणियां ननकाणा साहब लंगर लाउणा और होर भी फतेहगढ़ साहब या होर स्थानों पर जा जाके रसदां लै के लंगर लाउंदे हुंदे सन। एक बारी उन्हां दे सेवक जिन्हां दा परिवार यूपी विच वसदा है बाबा बरियाम सिंह ने बेनती की महाराज ऐतकी ननकाणा साहब का लंगर मैनू कल्ले नूं बख्श दिओ साहब कहण लगे नहीं कल्ले नूं फिर हौमे आ जाती है फिर जीव दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा कोई 10 रुपये पाऊगा कोई 2 रुपये पाऊगा इकला गुरु नानक साहब का लंगर नहीं कोई चला सकता। इस करके भावना के नाल जिन्हां जीवां का भला करते सन जगह जगह पर जाके लंगर दियां मर्यादा कायम कीतियां तरन तारण साहब भादों की मस्या से
अज भी इन्हां महापुरशां दा लंगर लाया होया है। उस जगह ते लंगर चलदा है। इन्हां ने लंगर दी मर्यादा कायम कीती। बहुत सारे महापुरश होर भी ड्यूटियां लगा के आए। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वालिया ने जिहड़े लोग गंदियां बोलियां बोलते सन उन्हां नूं गुरबाणी दियां पंक्तियां ला के सिद्धियां तारना विच कीर्तन करके जीवां दे मनां नूं प्रेरित किया। बहुत सारे महापुरश तकरीबन सारे तो नहीं आए तो थोड़े आए ने जिन्हां विचों इन्हां महापुरशां दा जिक्र खास तौर पर दुआबे की धरती नूं वड्डा माण है। इस दुआबे की धरती ते साहिब गुरु नानक देव महाराज किसी समय ते राजा पर्थरी नूं ब्याहण वास्ते कंढी दे इलाके विच भी आए सन। ये कंढी दे इलाके नूं होर भी वड्डा माण है। शेख फरीद जिन्हां दी पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है उन्होंने भी इस कंढी दे इलाके विच 36 वर्ष तपस्या कीती है। इस कंढी दे इलाके नूं होर भी वड्डा माण है। सारे तकरीबन पंजाब दे विचों सब तो ज़्यादा क्योंकि पहाड़ी जिहड़े पानी नदियां दे पहाड़ी बरसाती पानी दे नाल जिहड़े चो बगदे सन धरती बेआबाद सी जंगल दा सारा इलाका सी। बहुत सारे महात्मा दूजियां इलाकियां विचों आ के भी इत्थे बंदगी करदे हुंदे सन। राजा दशरथ जी वर्गे भी इस कंढी दे इलाके विच तपस्या कीती है। शरवण कुमार दे माता पिता जिन्हें सारी जीवन अपनी माता नूं ते पिता नूं मोढ़ियां ते रख के तीर्थां दी यात्रा करवाउंदा रहा वह भी इस इलाके दे विच कंढी दे इलाके विच उहनां दीआं जगह बणियां होईआं ने। इस दुआबे की धरती नूं बड़ा वड्डा माण है। बहुत वड्डा माण प्राप्त होया जिन्हां नूं साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज लिख गए आत्म रस जे जान ही सो है खालस देव तास मैं मोह मैं रंचक नाहीं भेद। इन्हां दा मेरा भेद कोई नहीं है। इन्हां दा मेरा खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हो करो निवास। ये खालसे हैं मेरे रूप हैं। इन्हां दा मेरा राई समान दा भी फर्क नहीं है। उन्हां दे महापुरशां दे ये पिता बाबा जी बाबा कुम्मा सिंह इस दुआबे की पवित्र धरती मालपुर का इलाका खास तौर पर जिन्हें महापुरश मालपुर के इलाके हुए है दे दुआबे होदर कितने पंजाब की धरती में नहीं हुए। इस दुआबे की धरती तो एक बाबा कुम्मा सिंह बजुर्ग साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज आनंदपुर साहब की धरती से साहबां की सेवा गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जिहड़ा प्रशादा छकते सन। वैसे 14 लंगर सन उस वेले आनंदपुर साहब की धरती से पर जिहड़ा साहब प्रशादा छकते सन उन्हां दा प्रशादा पकाउण वाले बाबा कुम्मा सिंह बड़ी मर्यादा नाल प्रशादा कायम पकाउणा बड़ी सुचम दे नाल जिहड़ी सुचम गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अपने समय ते गुरसिखां नूं दर्शा गए सी वो अज दुनिया के लोगों नूं मर्यादा हुण चेते आई है। मूँह बन के बरताउणा है अंदर लंगर तीसरा बंदा बड़न नहीं देना लांगरियां तो बिना होर जान नहीं देना और भांडा किसी के हाथ विच नहीं फड़ाउणा सुचम दा ज्ञान रखना ये सारिया मर्यादा साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने गुरसिखां नूं दस गए सन। वो मर्यादा फिर इन्हां महापुरशां ने लागू कीतियां। वो लागू भावें अज दुनिया के लोग भुले हुए इन्हां मर्यादा नूं मुड़ के उन्हां मर्यादा ते परमेश्वर ने अपने हुक्म अनुसार तोरी है दुनिया उस मर्यादा नूं कायम किया जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने चलाई सी। बाबा कुम्मा सिंह जी सेवा करदियां करदियां सेवक दे विच इक बहुत वड्डी बख्शिश हुंदी है जे गुरु की प्रवानगी गुरु की खुशी लै लवे। सेवक सेवा बहुत करदे हन गिणती कोई नहीं है। जिन्ना चिर सेवक दे मन दे अंदर कोई इच्छा है आशा है उहदे अंदर प्रेम की अंश नहीं हुंदी। इच्छा तो बिना सेवा की जाए प्यार विच सेवा की जाए वो मनुख कुछ ना कुछ प्राप्त कर जांदा। जिहदे अंदर भावना है कुछ आस रखी हुई है आस्था साध संगत सब तो वड्डा बैकुंठ दसिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए। बैकुंठा दे सुख सब तो वड्डे लिखे है। सतगुरु जी कहिंदे अगर मन के अंदर बैकुंठ की इच्छा भी लैके बैठा है तो परमेश्वर के नाल तेरा प्यार नहीं है। जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग मन नहीं चरण निवास। जिन्हां गुरसिखां ने अपना जीवन गुरु नूं अर्पण किया है कोई इच्छा नहीं रखी
केवल तो केवल गुरु की खुशी लैन वास्ते सेवा की है। कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी, करोड़ों विचों बिरला ऐसा सेवक मिलेगा जिहदी कोई मन की इच्छा ही नहीं है, कोई भावना नहीं है, गुरु के प्यार में सेवा की है, वो मरात्मा कुछ ना कुछ प्राप्त कर जाते हैं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज नानक सर कलेरां वाले वचन करिया करते सन, भाई सेवक मूँह ना खोले हे गुरु तो प्राप्ति कुछ ना कुछ मरात्मा प्राप्त कर जाता है। अगर सेवक मूँह खोल लैंदा तो उहदी जिड्डी सोच हुंदी आ उड्डी को मंग लैंदा, वो उत्थे ही रह जाता। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिख नूं गद्दी देण वास्ते तैयार सी, सिख ने कौड़ा मंग लिया, उड्डी की इच्छा सी उहदी मत बुद्धि उड्डीक सी, उहदे अनुसार मंग ली। हरेक दी बंदे दी अपनी मत बुद्धि है, जिहड़ी कि मत उच्ची हुंदी है ते उड्डा वड्डा उहदी मंग हुंदी है। जे कहदा मन नीवा हो जावे, मन नीवा ते मत उच्ची हो जाती है, जे मन उच्चा हो जावे ते मत नीवी हो जाती है, ये दोनों विचों एक चीज़ उच्ची रहिंदी है। जे मत उच्ची करनी है ते मन नूं नीवा करना है। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, मन नूं नीवा करन दा ही तरीका है मन दे अंदर हंकार दी विरती नूं त्याग देना। हन संसार विच जो कार्ज कीता है, चाहे गुरु दा कीता है चाहे सेवा कीती है, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ते आवै, जे कोई विच गुण है जनावे ना, वो गुरु दे चरणा विच गुरु दे प्यार विच सेवा करे उहदी सेवा प्रवान हुंदी है। बाकी ठीक है, सेवक जो मंगदा है उहदी इच्छा तां पूर्ण गुरु कर दिंदा है। गुरु घर विच कोई इच्छा ऐसी नहीं जिहड़ी पूर्ण ना होवे, पूर्ण तां हो जाती है, पर गुरु दे घर विच आ के मंग मंगनी, वड्डी मंग मंगनी, किद्दां मंगनी है, वो किद्दां प्राप्त कीती जा सकती है, मन नूं नीवा करना है गुरु दे चरणा विच, मन बेचे सतगुर के पास, मन तन अर्प करो जन सेवा, मन तन अर्पण करके गुरु की सेवा करनी करो, मन तन अर्प करो जन सेवा, ऐसी सेवा हो जाए गुरु दे सिख दी तां गुरु तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर जाता है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डण वेले बहुत सारे गुरसिखां दीआं ड्यूटियां ला के आनंदपुर साहिब तो पहले तोर दिते सन। भाई दरगाहा सिंह जिन्हां दी हरिद्वार वल ड्यूटी लाई सी, उन्होंने बहुत सेवा करके गुरसिखां नूं ते गुरु दे नाल जोड़न दी कोशिश कीती, बहुत सारे गुरसिखां दीआं ड्यूटियां ला के उन्हां नूं अपने कोलों पहले तोर दिता सी। अखीर दे विच बाबा कोमा सिंह जी नूं भी ड्यूटी ला के साहिबां ने तोर दिता, कहण लगे भाई तेरी सेवा गुरु नानक दे दर ते प्रवान होई है। सेवा प्रवान हो जानी होर चीज़ है, मन की इच्छा लैके सेवा करनी इच्छा पूरी हो जानी है, इच्छा पूर्क है परमेश्वर जिहदे ते गुरु खुश हो के जिसनूं बख्शिश कर देवे। साध संगत सेवा करी जावे गुरु का सिख ते गुरु की जिहड़ी बख्शिश है वह गुरु की बख्शिश गुरु तो ही मिलनी है, उहदी बख्शिश तो बिना प्रवानगी नहीं हुंदी। बाबा फरीद साहब जी 36 वर्षां पुठे लटके है, जीव ते ताकत भी आ गई है, चिड़ियाँ मर भी गई तो चिड़ियाँ उड़ भी गई, गुरु के दर पर प्रवानगी नहीं हुई। जिहड़ी प्रवानगी गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठण की उन्हां नूं मिली है, ये प्रवानगी हो ही नहीं, ये जिहड़े प्रवान पुरख सन उन्हां दी संगत तो बिना ही मिलती नहीं। तो बाबा कुमा सिंह जी ने कहा भाई गुरमुखा तेरी सेवा गुरु नानक के दर पर प्रवान हुई है, तू अपने नगर में जाके अपने नाम ते नगर का नाम रख लें। वो बाबा कुमा सिंह जी दुआबे की धरती नूं माण है बड़ा बड़ा, मालपुर के इलाके में सकरूली नगर सी जिहड़े संघियां दे पंज पिंड सन। बाबा भरो जी कालियां संघियां तो उठ के बहुत सारे संघा गोत नाल संबंधित जिमीदार, भाई की डरोली मालवे दे विच इक पिंड है उत्थे इत्थों कालियां संघियां तो उठ के बहुत सारे संघा गोत नाल संबंधित उत्थे जमीना बाउण वास्ते चले गए सन। समा बदलदा चले गया, उत्थे ही वसण लग गए, उत्थे वसदियां वसदियां बहुत बड़ा नगर है भाई की डरोली, उत्थे साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का साढ़ू साईं दास और साहिबां दे रिश्ते नाल संबंधित माई रामो उस नगर दे रहण वाले सन। उन्हां नूं तारन वास्ते साहिब छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज भाई की डरोली पहुँचे सन। उन्हां दे मन की भावना सी अज भी जाके देख लियो, भाई साईं दास जी ने अपना मकान रहण वास्ते बनाया सी,
माई रामो की श्रद्धा इन्नी सी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज से, उन्होंने मकान बना के साहबानू सुनेहा नहीं दिता, गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नू सुनेहा नहीं दिता। कहन लगे गुरु अंतरजामी है, गुरु नू पता है, गुरु नू सदन की जरूरत नहीं, आप ही आवेगा। और बाहर गली दे विच चुल्हा रख के, गली विच चुल्हा रख के प्रसादे पकाउंदे रहे, मकान विच प्रवेश नहीं कीते। मकान विच गुरु साहब चरण पाउणगे, गुरु बैठणगे ते फिर असी अंदर बड़ांगे। 6 महीने बाहर गली विच रख के भाई साई दास जी प्रसादे पकाउंदे रहे माई रामो, ते अंदर पलंगा बिछा के 6वें पातशाह जी का रख दिता। 6वें पातशाह जी अंदर आके बैठणगे तां असी प्रवेश करांगे। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नानक मते की तैयारी की सी यूपी दे जाण दी, उत्थे अलमस्त बाबा गुरदित्ता जी दे सेवक सन जिन्हां नूं सिद्धां ने कुटिया सी और पिप्पल नूं उड़ा दिता सी, साड़ दिता सी। 6वें पातशाह जी ने उत्थे नूं तैयारी की सी। 6वें पातशाह जी मातावां दे डोले भाई की डरोली नूं भेज दित्ते सन, ते आप साहिब यूपी वल नूं जा के नानक मते तो हो के मुड़ के आ के भाई की डरोली नूं पहुँचे। और भाई साई दास जी 2 किलोमीटर नंगे पैरी संगतां नूं नाल लै के साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नूं लैण वास्ते गए सन। 2 किलोमीटर दूर साहिबां नूं उड़ीकदे खड़े है और बड़े सत्कार दे नाल हार हथ विच लए हुए है, श्रद्धा नाल फुल हथ विच लए हुए है। 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का सत्कार किया, नंगे पैरी भाई साई दास जी पहुँचे सन और लै के 6वें पातशाह जी नूं आए। और 6वें पातशाह जी उस स्थान पर जिहड़ा पलंगा बिछाया होया सी उत्थे आ के चरण पाए। माई रामो ने जिहड़ी साहिबां दे रिश्ते विच उहनां दी साड़ी लगदी सी, बहुत प्रेम नाल प्रसादा तैयार किया। साई दास जी प्रसादा छका रहे आ, पखा भी चल रहे आ, माई रामो जी खड़े आ, पक्षी भी चलते प्रसादा छकते साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। साहबां ने दोहां नूं निहाल करके दोनों नूं ब्रह्म ज्ञान दे दिता 6वें पातशाह जी गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने। उत्थे बाबा गुरदित्ता जी का जन्म स्थान भी भाई की डोली है और बड़ा पवित्र इतिहासक स्थान है। उस नगर विचों बाबा भरो जिन्हां दा नाम सी, क्योंकि अगे 2-2 अक्षरां दे 3-3 अक्षरां दे नाम सन, बाबा भरो दा नाम करके इस दुआबे विच आ के सकरूली नगर दे विच आ के निवास किया। और सकरूली विच उन्हां दीआं 2 शादियां सन, एक शादी जिन्हें बीबी सुकरो सी उहदा नाम उहदे नाम ते नगर सकरूली बनिया, दूसरे नाम ते बाबा भरो जी शेर मारिया सी कंढी दे इलाके विच, उन्हां राजपूतां ने एक डोला दित्ता सी बाबा भरो जी नूं, उहदा नाम सी बीबी दा मुगो ते उहदे नाम ते मुगो वाल पिंड पिया। 2 पिंड सड़क दे चढ़दे पासे है, 2 पिंड सड़क दे 3 पिंड सड़क दे लहिंदे पासे है। सकरूली पिंड विचों उठ के बाबा कोमा सिंह जी ने जाके जिथे लगेरी नगर है अज, उत्थे एक बोर्ड दा मोड़ी गड्डी सी जिहड़ी बोर्ड दास ने दर्शन कीते है। बहुत साल पहला बोर्ड सुक चुकी है, बोर्ड बहुत पुरानी सी, ते उत्थे बोर्ड गड्ड के पिंड दा नाम रख दिता लंगेरी। लंगेरी लागरी होण करके, साहिबां दा लांगरी होण करके लंगेरी पिंड दा नाम रखिया। और साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, बहुत मुसीबतां दे विच हो के सरसा नदी के कंढे ते 10,000 सिख शहीद होया। और जांदे जांदे साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज चमकौर साहब हुंदे हुए होर अस्थाना तो लंघते हुए अखीर साबो की तलवंडी पहुँचे है। साबो की तलवंडी जाके कमर कस्सा खोलिया, जंगा युद्धां की समाप्ति हो गई, मुक्तसर साहब का आखिरी जंग सी। आखिरी जंगा तो बाद साहिबां ने कमर कस्सा खोलिया, कमर कस्सा खोल के साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की लिखवाई भाई मनी सिंह जी के नाल करवाई। और साहिबां ने रसना तो बोल के बाणी 1 ओंकार तो लैके 10-20 तक सारी बाणी लिखवाई। उस वेले जिहड़े जिहड़े गुरसिख सन साहिबां दे कोल साबो की तलवंडी पहुँचते रहे, जिथे साहिब 9 महीने 9 दिन ते साहिब उत्थे साबो की तलवंडी रहे और गुरु की कांशी होण दा वर भी दिता। उत्थे साहिबां ने जिहड़ियां कलमां सन जिन्हां नाल बाणी लिखी सी वह कलमां उत्थे दब के लिखण सर सरोवर बना दिता और ये वर भी दिता, यह गुरु की कांशी है, जिन्हों पढ़ना नहीं आएगा इत्थे आके अक्षर लिखेगा उन्हों पढ़ना आ जाएगा। बहुत सारे मंदबुद्धि जिन्हां बच्चों का पढ़ाई विच मन नहीं लगता
ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਇਹ ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਘੁਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲਗੇਰੀ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੰਗੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬੜੇ ਨਾਮਵਾਰ ਪੁਰਖ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਘੁਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਘੁਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਘੁਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੋ ਸੀਨੇ ਮਸੀਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਸੱਤ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ 250 ਚੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਚਰਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਕਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਲੀਨਤਾਈ ਭਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਗਣ ਹੋਣ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਉਸ ਉਹ ਅੱਖ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣੇ ਲਈ, ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀ ਪਰ ਦੇਖ ਗਈ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੀ ਅੱਖ। ਉੱਧਰ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਆ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸੇ ਹੀ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਔਗਣ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਔਗਣ ਫੜਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਰਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਲਗੇਰੀ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਚੱਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਚੱਗਰਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੀ ਤਾਂ ਜਟਾਂ ਤਾਰੀ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਦੀ ਸਰਮੌਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਧੂਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 4 ਧੂਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧੂਣਾ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ, ਫੂਲ ਜੀ, ਅਲਮਸਤ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਜੀ, 4 ਧੂਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਧੂਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੂਲ ਜੀ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਦਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ। ਔਲਾਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੈ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਚਲੋ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਰਕਾਲ ਦਰਸੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ, ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਮਾਰੋ। ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗਈ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ?
ये थोड़ो भी जे मेरी मंग नहीं पूरी हुई तो महात्मा दुनिया च है ही नहीं, रब का महकमा ही खत्म हो गया। अपने मन की इच्छा दस। वो सियाणी बीबी नाल सी, कहन लगी महाराज लड़कियां ही हैं जी, लड़का नहीं है कोई भी। बाबा कानदास सहज सुभा कहन लगे तीन पुत्र हो जाएंगे माता, तीन तीन हो जाएंगे। जिदा कपिल मुनि जी महात्मा ने राजे सगर नूं 60,000 पुत्र होने का बार एको बारी दे दिता सी। सतयुग के अंदर कपिल मुनि महात्मा हुए है, उन्होंने राजा सगर जी नूं 60,000 पुत्र होने का बार दे दिता सी, और होया भी 60,000। लंबी चौड़ी कथा है। कहिंदे माता तीन होणगे, तू एक दी गल कर दी, तीन होणगे नूं दे दी। फिर आपे कहन लगे माइयां दे दिल कित्थे हुंदे आ, जिहड़ा साडा होगा आपे आजूगा। फिर भी माता ने विश्वास नहीं किया, उन्हें कहा बड़े साधु इदां अगे बचन करदे गए आ। वापस आ गईयां 3 साल, उस साल बाद जमादार अच्छर सिंह बड़ा लड़का पैदा होया जिहदा नाम सी अच्छर सिंह रखिया। उन्हां तों बाद 3 साल बाद संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी, जिन्हां दी अज तुसीं याद मना रहे हो, उन्हां दा जन्म होया। अवतार कह लो, जन्मदिन कह लो, उन्हां नूं साध सिंह जी किसी भी सत्कार अखर नाल तुसीं सत्कार सकदे हो। बहुत कहिंदे जन्मदिन नहीं कहना चाहीदा, जन्म तो होया ही है। जमया पूत भगत गोबिंद का, भगतां दे जन्म होए है, गुरुआं दे जन्म होए है, माता होईयां ने, ते उस तों बाद उन्हां दा जन्म होया। उस तों बाद 3 साल बाद बाबू दया सिंह, उस वेले पढ़े लिखिया नूं बाबू जी कहिंदे हुंदे सन, जिहड़ा पढ़ लिख जांदा सी उहनूं बाबू जी कहिंदे सी। बाबू दया सिंह जी पढ़े लिखे सन, अंग्रेज़ इंग्लिश अखबार की रोज़ ट्रिब्यून अखबार भी पढ़ते हुंदे सन, और बबर लहर में उन्हां दा जिक्र है। अज भी बबरां की किताब में उन्हां दा जिक्र है इस परिवार का। तो बाबा ज्वाला सिंह जी का नाम रखिया ज्वाला सिंह, तो पढ़ते पुढ़ते नहीं सी हुंदे। स्कूल तो अंग्रेज़ों ने बनाए आ कि उस बाद उस वेले स्कूल बहुत घट सन, तो स्कूल कॉलेज है नहीं सी। पिंड दे ग्रंथी कोई कूड़ा जिहड़ा सिखाल देवे तो वक्खरी गल है। महापुरशां ने चो विच मझां चारनियां पाठे पुठे, उस वेले महापुरशां ने पिता जी खेती करदे सन। खेती करदियां एक समां आया जिदा हुण मूहरे बरसात का टाइम आउंदा, तो बाबा जी संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी तो बड़े जमादार अच्छर सिंह जी ने नाल लै गए मक्की गुडण वास्ते। मक्की गुड़द्या गुड़द्या बाबा जी, बाबा नारायण सिंह जी पिछा मुड़ के देखिया, जिहड़ी संत महाराज फांट लैके आउंदे सी सारी मक्की बढ़ दित्ती ते घा छड्डिया। पिछे नूं गुस्सा भी चढ़िया, कहन लगे वह कमलिया, वह कमला ही सादे हुंदे सी। जदों बाबा जी ने महाराज नूं कहना कमला, कहिंदे कमला इहनूं पता नहीं लगदा कुछ भी, क्योंकि सहज सुभा सतो गुणी सुभा सी। सारे न्याणे इलतां करदे हुंदे सी, महाराज इलत नहीं सी करदे कदी भी, बैठे रहना सतो गुणी सुभा च। कहिंदे वह कमलिया तैं तां सारी मक्की बढ़ दित्ती, तैनू नहीं कुछ भी आउंदा, कहिंदे तैं भुखा मरना, इहनूं कोई कम आउंदा ही नहीं। कहिंदे उत्थे पट्ठी तो उदों दाने दूने भी कट्टे हुंदे सन, थोड़े जे दाने लै गए, महापुरश उम्र थोड़ी सी उस वेले, जिथों मक्की बड़ी सी दाने उत्थे फिर रंबी नाले चोक दित्ते, सारे खेत नालों बखरी मक्की हुई। ते उहदे तों बाद फिर मझां मोझां चारदे रहे। जदों महाराज फिर प्रगट होए आ, एक वारी नगर विच गए हुए सन, नगर विच गया ते तो किसी ने कहा जी महाराज सुंदर सिंह महाराज दे नाल कट्ठे सी, खेलते खोलते हुंदे सी। कहिंदे महाराज सुंदर सिंह कनेडा तों आया होया, कहिंदे अच्छा सद लो उहनूं बाज मारो, जां सुंदर सिंह नूं सद के लियाए। कहिंदे महाराज सुंदर सिंह आ गया जी, कहिंदे किधर आ, इधर नूं बाज मार लो। बाहर स्कूल विच बैठे सी महापुरश, कहिंदे सुंदर, उहने आ के मत्था टेकिया सुंदर सिंह ने। महाराज कहिंदे सुंदर सिंह तैनूं चेता होणा जद असीं चोच कट्ठे मझां चारदे हुंदे सी। कहिंदे महाराज चेता है जी। कहें तू सानू छेड़दा हुंदा सी, आग्या राम महाराज। कहें तू साडी छेड़ पाई हुंदी सी। कहिंदा हाँ जी महाराज। महापुरश कहण लगे देख ला हुण असीं परमेश्वर दी आग्या च आ गए हां, मंग ला जो मंगणा। उह ते मंगे ही नहीं होया, चुप ही कर गया। जो मंगदा उहनूं दे देणा सी, सारी तां पावर उहनां दे कोल सी। साध संगत फिर उहनां तों बाद बाबू दया सिंह जी होए, संत महाराज जी 16 साल के फौज में भर्ती हो गया। उस वे 16 साल का लै लेंदे सी, पढ़िया लिखे की बहुती गिणती नहीं की जाती सी, पढ़े लिखे तो थोड़े चिर तो लैन लगे आ, उदों पढ़े ही लै लेंदे सी। उत्थे फिर साध संगत जी उन्हां दी फौज का सूबेदार मेजर जिहदा नाम सी ज्वाला सिंह, वह संगरांद नूं हरेक संगरांद नूं मरदान छाउणी सी। हरेक संगरांद नूं बाबा आया सिंह जी महाराज के दर्शनां नूं जांदा हुंदा सी।
एक संगरांद नूं जद सूबेदार गया तो बाबा आया सिंह जी महाराज कहण लगे, ए सूबेदार साहब ए तू साडे दर्शनां नूं ना आया कर, तू हुण उत्थे ही तेरी फौज विच एक महापुरश है, बड़ी कमाई वाला पुरश है, तू उहदे दर्शन कर लिया कर, साडा रूप है उह। कहिंदे महाराज किहड़ा आ, मैनूं तां साडी फौज विच कोई लगदा नहीं महापुरश दिसिया नहीं। कहिंदे नहीं, नंबर दस दिता, यह नंबर है, नाम तेरे वाला ही है, सिपाही दा रैंक है उहदा, एडा कद है, चेहरा मोहरा सुंदर सुनखा चेहरा, बहुत वह बहुत चोटी का महापुरश है। कहिंदे महाराज मैंने तो हले को महापुरशां वाली गल तो नहीं दसी उहदे विच। कहिंदे नहीं, तू अगली बार उहनूं इत्थे लै आई। हुण सूबेदार मेजर ने जाके सारियां ड्यूटियां माफ़ कर दित्तियां उहनां दीआं, कहिण लगे तू बाबा आया सिंह जी महाराज नूं जाणदा? कहिंदे जी मैं तां जाणदा नहीं। कह तैनू जानते हो, तेरा नाम अखर सारा कुछ, तेरा कद सारा कुछ दस दिता, तेरे कित्थे पैदा होया सारा कुछ दस दिता, तू उन्हां दर्शनां नूं चलूँगा? महापुरश कहिंदे मैं चले चलूँगा। आउंदी संगरांद नूं सूबेदार मेजर महाराज नूं नाल लै के होती मरदान पहुँचिया। महाराज संगरांद नूं ही गए सन होती मरदान, तो संगरांद ही उत्थे लगदी सी, तो संगरांद ही संत महाराज इत्थे लाउंदे हुंदे सन, जिहनूं कहिंदे भाई संगरांद की हाजरी भरिया कर। तो जदों गए बाबा आया सिंह जी महाराज बाहर बैठे सी मंजे ते, मंजे ते बैठे सी, ते जदों दूरों देख के संत महाराज नूं उठ के मंजे तो खड़े हो गए। कहिंदे लै मां तां भुल गई सी, शेर आपे ही आ गया। संत महाराज मत्था टेकिया, मत्था टेक के थापड़ा दिता, कहिण लगे तू सानूं जाणदा? कहिंदे महाराज मैं जाणदा नहीं। इक्को ही थापड़ा दिता बख्शिश दा। तीन दिन बाद मुड़ के जोत ना जोत जुड़ी और उठ के मत्था टेकिया, कहिंदे जाणदा? कहिंदे जी बहुत जन्मां दे जाणदे, कृपा कर दित्ती ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश 20 साल तो पहले ही दे दित्ती, पूरी ब्रह्म दी ज्ञान हो जाना सारा कुछ, जो सृष्टि विच कित्थे की है, करोड़ां ब्रह्मंड कित्थे कित्थे है, सारा ही ब्रह्म दा ज्ञान हो जाना, ये दे दिता उस वेले। उत्थों लै के साध संगत इत्थे अस्थान ते आए। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, जिस नूं विचार करिए समा नहीं है, यह समा तुसीं जाणदे हो, बहुत दुनिया के चेता रखिया करो गुरमुखो। बहुत सारे जिन्हां नूं पता नहीं है मूँह बन के आ जाते गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी विच, कभी भी गुरु की हाजरी जाइए मूँह नहीं बन के जाईदा, ना ठाठी बन के जाईदी है, गुरु दरबार में खुले मूँह आईदा, बाहर जाके भावें बन लवे। क्योंकि गुरु अमरदास महाराज के चरणों में हरिपुर का राजा मस्त मत्था टेकन आए थे सुखना लाने वास्ते। एक राजपूत राणी सी, राजे के घरवाली सारे तो छोटी राणी सी, वो मूँह ढक के, राजपूत लोग पर्दा करते, मूँह ढक के गुरु दरबार में गुरु अमरदास महाराज ने मत्था टेकन आई। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे आ कौन चली है, गुरु दरबार में मूँह ढक के आई है। उस वेले सदैन हो गई, जंगल में नठ गई, गुरु दरबार में मूँह नहीं ढक के आना, ठीक है दुनिया साइंसदाना की होर अपनी सोच है, गुरु दरबार में गुरु के चरणों में आए हैं, गुरु साढ़े तो निगाह पा दे दृष्टि, सारे करोने कराने तक खड़नगे नहीं, ये गुरु की कृपा हो जाए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सारा अपने शरीर से लै गए, गुरु के चरणों में आए हैं, भाई डरन की लोड़ नहीं है बहुती, आदा दुनिया वैसे ही डराती, जोड़ा डर जाता वह तो वैसे ही मर जाता, डरे वो जो पाप करता, डरे जो पाप कमाता धर्मी बखसेत। सो उन्हां दी याद विच रखे हुए सहज पाठ, भावें अखंड पाठ रखे जाते सी, बहुत सारे माझे विचों भी संगतां दे फोन आए आ, मैं कहा भाई इत्थे इत्थे मना लो, समा इस तरह का है, जिदा का समा उहदे नाल वरतना चाहिए। तनासरी राग के अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज का पवित्र हुक्मनामा है, समा लग जाएगा मैं विचार इहदी नहीं करनी। सो सारिआं दा धन्नवाद है, जिथे जिथे भी कोई बैठा है, जिथे जिथे भी, चाहे विदेशों में है, चाहे इतने अपने मुल्क है, चाहे कितने भी कोई घर बैठा, जिहड़ा मन की भावना लैके बैठा सी इत्थे आउण दी, उहदी हाजरी लग गई है। साहिबां ने खुशी नाल कह दिता भाई तुहाडियां इच्छा पूर्ण हो जाणगियां, बख्शिश कर दित्ती है, उहनां दी भी हाजरी लग गई, तुहाडी भी लग गई, सारिआं दी। असीं सारिआं ने इकट्ठे हो के बाहर वालिआं दी अरदास भी कर दित्ती, तुसीं भी कर दित्ती। महाराज जिहड़े तुहाडे प्रेमी और किसी पा गल करके नहीं थोड़े तक पहुँच सके, महाराज उन्होंने हाजरी भी ला दौ जी। महाराज मन के अंदर इच्छा तो सही, वो नहीं आ सके मजबूरी कारण, कुछ गौरमेंटा का दबाव है, इस करके उन्होंने हाजरी भी लगी है, थोड़ी सारे की लगी है। इन्नी कि हाजरी प्रवान कर लियो,
अगली बारी सतगुरु जी ने कृपा की तो उही अगे वांगर रात नहीं भोग पाए जाणगे, दिन नूं फिर पाए जाणगे। अज भी बहुत सारिया संगतां कोई रस का लंगर लाउंदा हुंदा सी, कोई आइसक्रीम का लंगर लाउंदा सी, कोई ठंडियां दे लंगर लाउंदा सी, अपनियां अपनियां भावना नाल संगत की सेवा करते हुंदे सन सेवादार। कोई नहीं गुरमुखो जिन्हां ने नहीं लंगर लगे उन्हां दी भी सेवा प्रवान है, उन्हां दे मन दी भावना सी नहीं लगे प्रवान उन्हां दे लंगर प्रवान है, तुहाडी सारिआं दी हाजरी प्रवान है। सारिआं दा धन्नवाद है जी, सतगुरु जी कृपा करन मुड़ के समा फिर बख्शन। सो सारिआं नूं जिन्ने भी तुसीं आए हो दूरों नेड़े हो, भाई सतगुरु जी कृपा करन बख्शिश है गुरु की, जिहड़े सवेरे भी चले गए उन्हां दी भी हाजरी लग गई, क्योंकि दस्सिआ नहीं सी असीं किसे नूं भी असीं भोग 10 बजे पाउणा। इह बहुत सारिआं संगतां चले गईआं, बहुत आ गईआं, क्योंकि दसण नाल बहुत ज़्यादा रश वध जाणा सी। कई वारी सरकारी दरबारे कानून लै के फिर इस गल नूं चंगा नहीं समझते, कहिंदे धार्मिक पक्ष वाले कानून भंग करदे आ। इह तां पता नहीं उन्हां नूं कि गुरु के चरणों में जाके बीमारियां लै जाणगीआं, कष्ट लै जाणगे, जे दर्शन करके गुरु के जिन्हां दे दुख रोग लै जांदे आ, दुख रोग लै जाणगे, फिर भी गुरु ने कृपा की। गुरु नानक के सिखां की वडियाई है देसां विदेशों में भी, जदों कि पीड़ दुनिया से बनी है गुरु नानक की सिख ही ने मदद की है। जे कि सुल्तानपुर हड़ आए है गुरसिखा ने वाधू राशन इकट्ठा कर दिता, जे कि अमरीका वर्गिया बड़िया बड़िया ताकत तो भीड़ बनी है। अज भी अमरीका वर्गे मुल्कों के प्रधानमंत्री जोड़े राष्ट्रपति है वो सिखा की बड़ियाई करते हैं, कहते बहुत बड़ी कौम है ये, और गुरु नानक की इन्हें बख्शिश है। कि माड़ा मोटा औखा समा फिर खड़ जाती है कौम, ये गुरु नानक की बख्शिश है। सो जहाँ महापुरशों की याद मनाई है, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का रूप सन, उन्हां दी याद मनाई है, खुशी का दिन है। सारे नूं कई बधाइयां दिंदे है, ठीक है बधाई कोई लेनी माड़ी गल नहीं है। बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले बचन करिया करदे सी, कहिंदे भाई बधाई तां की है, तुसीं बेनती करिया करो महाराज, तुसीं साढ़े भले वास्ते तार तारण किया, सानू जीवां नूं तारण वास्ते महाराज, सानू गंदगी दे कीड़ियां नूं कढ़न वास्ते तुसीं अवतार धारण किया, महाराज तुहाडा बहुत धन्नवाद है महाराज, तुहाडी की असीं सिफत कर सकते हैं, की असीं किसी नूं बधाई दे सकते हैं, तुसीं साडे ते तरस करके आचरणा की सेवा बख्शी है, तुसीं साडे ते तरस करके सानू यह समा बख्शिया है। सो सारिआं दा धन्नवाद जी, सारे रसना पवित्र करो जी, वाहिगुरू जी का खालसा।